हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2024 की एक नई भर्ती आ गई है प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के अंदर, यानी राजस्थान के अंदर आईटीआई के कनिष्ठ निदेशक की एक भर्ती आ गई है। थोड़े दिन पहले भी चार अलग अलग विषयों के अंदर RS MSSP बोर्ड के ने ये वैकेंसी डाल की थी, और उस टाइम जो ट्रेड स्पेसिफिक CTI करके बच्चे वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनको बहुत निराशा हुई थी कि सर हमारी वैकेंसी नहीं आई, बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे। तो उनकी निराशा को दूर करते हुए आज RS MSSP बोर्ड ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। 16 अलग अलग ट्रेड के अंदर लगभग 1800 से ज्यादा पोस्ट के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या क्या योग्यता रहने वाली है, कुल पद कितने रहने वाले हैं और आयु सीमा कितनी रहने वाली है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हमारा उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वैकेंसी के बारे में। आज ये वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ये वैकेंसी जारी की है, दिनांक है 11/3/2024। विज्ञापन संख्या देख सकते हो 09/2024 है, ये पत्र क्रमांक है। इसके अंदर आप देखो कनिष्ठ निदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों हेतु सीधी भर्ती 2024, टोटल जो है पद कोड क्रम संख्या यहाँ पे आप देखोगे तो 16 अलग अलग ट्रेड के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 16 ट्रेड के अंदर कौन कौन सी ट्रेड है, ड्राफ्टमैन सिविल के कुल पद है 38 यानी 38, उनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं 34 और अनुसूचित क्षेत्र के हैं 4। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन के 301 गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 47 है अनुसूचित क्षेत्र के, कुल पद है 348। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 62 पोस्ट है, अनुसूचित क्षेत्र के 14, टोटल पोस्ट है 76। इसी प्रकार फिटर के 204 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के, 39 है अनुसूचित क्षेत्र के और 243 है कुल पद। इसी प्रकार इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस की 41 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 6 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की और टोटल पद है 47। डीजल मैकेनिक की यदि अपन बात करें तो डीजल मैकेनिक के 169 गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं, 30 पद हैं अनुसूचित क्षेत्र के और टोटल पोस्ट यहाँ पे है 199। कनिष्ठ निदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल का 61 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित क्षेत्र के 10 और टोटल पोस्ट है 71। प्लम्बर के यदि अपन बात करें, जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर की पोस्ट है 48 गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 10 है अनुसूचित क्षेत्र की, टोटल पोस्ट होगी 58। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें तो 126 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 8 है अनुसूचित क्षेत्र की, टोटल पोस्ट है 134। कनिष्ठ निदेशक सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, इसकी पोस्ट है 34 गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 2 है अनुसूचित क्षेत्र की, टोटल पोस्ट है 36। टर्नर की यदि अपन बात करें तो 39 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 3 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की, टोटल हो गई अपनी 42। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर की यदि अपन बात करें तो 113 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 26 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की, टोटल पोस्ट होगी 139। इसी प्रकार वायरमैन की यदि अपन बात करें तो 66 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 24 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की और टोटल पोस्ट होगी अपनी 90। यहां तक 13 नंबर सीरियल नंबर तक होगी अपनी इंजीनियरिंग ट्रेड्स की पोस्ट। उसके बाद कॉस्मोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, इन तीनों ट्रेड की यानी गैर इंजीनियरिंग क्षेत्र की जो ट्रेड है इनकी भी पोस्ट आई है। कॉस्मोलॉजी की 35 है गैर अनुसूचित क्षेत्र, 8 है अनुसूचित क्षेत्र की और टोटल पोस्ट होगी 43। स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो 28 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 12 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र की, टोटल पोस्ट है 40। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की है 181 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र की, 36 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की, टोटल होगी 217। तो इस प्रकार से 16 अलग अलग ट्रेड के अंदर आज RS MSSB बोर्ड ने
वैकेंसी जारी कर दी है। जो बच्चे सीटीआई करके वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ इनका सिलेबस और एग्जाम डेट भी आ गई है, उसके बारे में भी अपने अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब बात करें यदि इनकी अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में, किस पोस्ट के अंदर कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के अंदर आई है, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, तो वो सारी इसी विज्ञापन में अपने को अलग अलग वैकेंसी के अलग अलग दी हुई है। और डिटेल स्टडी आप इस नोटिफिकेशन को देख के कर सकते हो। नोटिफिकेशन का पूरा पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। या फिर बीबीसी स्टडी हमारी ऑफिशियल ऐप है, बीबीसी स्टडी के ऑफिशियल ऐप के जॉब अलर्ट्स के सेक्शन के अंदर भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। टोटल पोस्ट कितनी होगी, 1821। बहुत बड़ा धमाका है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे थे और कनिष्ठ अनुदेशक की सपना लेके उन्होंने सीटीआई की थी, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो लग जाइए तैयारियों के अंदर। और चलिए इसकी वैकेंसी के बारे में और देखते हैं। इस वैकेंसी के अंदर यदि हम बात करें तो अपने थोड़े दिन पहले ही सर्विस रूल्स आए थे। सर्विस रूल्स पिछले 2023 के लगभग जुलाई अगस्त के अंदर सर्विस रूल आए थे, जिसका वीडियो हमने आपको बताया था बना के कि कौन से जो भर्ती है उसके नियम के अंदर क्या क्या संशोधन हुआ है। तो उसके अंदर संशोधन ये किया गया था, जितने भी पोस्ट निकलेगी उनकी 50% पोस्ट सीटीआई प्लस आईटीआई या एनटीसी वाले बच्चों के लिए रखी जाएगी और 50% पोस्ट रखी जाएगी डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के लिए, यानी 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल की। उसी प्रकार नियम के अनुसार, विभागीय नियम के अनुसार 50% पोस्ट तो रहेगी यहाँ पे एनटीसी या एनएसी धारकों के लिए और 50% रहेगी डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए, यानी आईटीआई जिन्होंने बच्चों ने कर रखी है उनके लिए 50% पोस्ट रहेगी। जैसे यदि अपन बात करें यहाँ पे 40 पोस्ट है किसकी, स्विंग टेक्नोलॉजी की, तो 20 पोस्ट रहेगी अपने आईटीआई के लिए और 20 पोस्ट रहेगी यदि स्विंग टेक्नोलॉजी में किसी पास डिप्लोमा या एडवांस डिग्री है तो उनके लिए। तो ये ध्यान रखना, आधी पोस्ट है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, आधी है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, अलग अलग नहीं कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पे ये नोट डाल दिया गया है। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की यदि अपन बात करें, आवेदन प्रक्रिया राजस्थान के अंदर जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं वो किससे भरे जाते हैं, एसएसओ के थ्रू भरे जाते हैं। एसएसओ में ओटीआर की व्यवस्था है, ओटीआर यदि आपने नहीं कर रखा है तो ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो, आसानी से खुद कर सकते हो या ई मित्र की सहायता से कर सकते हो। तो इसके अंदर अपन आप ज्यादा बात करते नहीं क्योंकि ये सभी बच्चों को पता होगा, ओटीआर से एसएसओ में फाइल कैसे जोड़ते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं। तो इसके अलावा अपन यदि बात करें ओटीआर की फीस के बारे में बात कर लेते हैं। ओटीआर की फीस एक बार पंजीकरण शुल्क जो है वो जनरल के लिए, क्रिमिनल को श्रेणी के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपए है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये फीस रहती है और समस्त दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये फीस रहती है। आपको इतनी फीस एक बार पे करनी है, उसके बाद आप एसएसओ से फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो किसी भी वैकेंसी का। तो आप अपना ओटीआर कर लीजिए, ये फीस पे करके और फॉर्म जो है फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे 3 नंबर पॉइंट के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण, आरक्षण की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सभी पद के लिए पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 16 तक अलग अलग आपको सारणी देखने को मिल जाएगी। तो इस टेबल के अंदर आप अपना रिजर्वेशन जो है देख सकते हो, रिजर्वेशन अपना अनुसार अपनी सीट देख सकते हो। एक ड्राफ्ट में सिविल की अपना बात कर लेते हैं, इसके अंदर फॉर डिप्लोमा और डिग्री या एडवांस डिप्लोमा के लिए कुल पद है 17, इसी प्रकार एनटीसी के लिए 17, टोटल पोस्ट थी 34, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र की भी एक सारणी यहाँ पे दी हुई है, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर सामान्य कितनी पोस्ट है, सामान्य महिला की कितनी है, विधवा की कितनी है, परित्यक्ता की कितनी है, ये यहाँ पे लिस्ट आपको दी हुई है, उसके अनुसार आप देख सकते हो। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की पोस्ट दी हुई है, एससी की पोस्ट दी हुई है, एसटी की पोस्ट दी हुई है, 12 जिले के शहरी आदिम जाति है उनके लिए अलग से पोस्ट दी हुई है, अन्य पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए अलग से पोस्ट दी हुई है, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के लिए अलग से पोस्ट दी हुई है। ये पूरी डिटेल आप अपनी कैटेगरी अनुसार यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। उसके बाद क्षेत्रीय आरक्षण की टेबल भी दी हुई है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन पद का देख सकते हो, ये पूरी आरक्षण की डिटेल आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन के बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पद की,
तो इस प्रकार सभी पोस्टों की यहाँ पे आपको अलग अलग आरक्षण मिल जाएगा। तो उस अनुसार आप अपने आरक्षण के अनुसार देख सकते हो कि आप यदि आप मैकेनिक डीजल के लिए एलिजिबल हो तो आप आरक्षण के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि आरक्षण के अंदर सीट है या नहीं, या फिर आपको जनरल के अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सारणी आपके पूरी दी हुई है, पूरी सारणी यदि अपना समझाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आप अपने अनुसार देख लीजिए, जिस भी ट्रेड के आप विद्यार्थी हो उसी ट्रेड के आप यहाँ पे अपनी टेबल देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन आपको विभिन्न व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी मिल गया होगा, आरएस एमएसएसबी की बोर्ड की साइट के ऊपर भी ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन उपलब्ध है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ये अनुसूचित क्षेत्र की पूरी टेबल चल रही है। अनुसूचित क्षेत्र के बाद आपको यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के बाद आ जाएगी आपकी अनुसूचित क्षेत्र की टेबल। तो यहाँ से आप पूरी पूरी अपनी वैकेंसी के अनुसार टेबल देख सकते हो। इसके बाद आई इस टेबल जब ये टेबल्स खत्म हो जाएगी तब आपने को देखने को मिलेगा योग्यता। तो अपने योग्यता की बात कर लेते हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र की टेबल्स आ गई। अब देखिए ये नोट आ गया वापस, यहाँ पे वापस से यहाँ इन्होंने लिखा है विभागीय नियमानुसार 50% रहेगा आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए और 50% रहेगा डिग्री डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के लिए आरक्षित है। और कौन सी डिग्री के लिए कितनी सीट कौन सी कैटेगरी के अंदर आरक्षित है उसकी टेबल आपको ऊपर देख दी हुई है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। विशेष सूचना यदि अपन बात करें, विशेष सूचना अलग अलग आरक्षण के लिए कौन सा नियम लगेगा कौन सा नियम नहीं लगेगा उसकी पूरी विशेष सूचना आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। महिलाओं के लिए आपको यदि आरक्षण लेना है तो आय प्रमाण पत्र किसका लगाना पड़ेगा वो भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो उसको आप अच्छी तरह से स्टडी करके ही अपना जो आवेदन करें। एकदम ध्यान रखें जिस कैटेगरी में अंदर आप आते हो जिसके अंदर पूर्णतः एलिजिबल हो उसी के अंदर फॉर्म भरे। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी कि कौन कौन से खेल संस्था के अंदर आपको कौन कौन सा टूर्नामेंट या चैंपियनशिप आपने भाग लिया है उसके अंदर आपको आरक्षण मिलेगा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे कौन सा मेडल जीता हो उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। दिव्यांगजनों के लिए पूरी डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद आ जाएगा अपना वेतनमान। वेतनमान कौन सा है, पे मैट्रिक्स लेवल L10 की ये पोस्ट है जिसके अंदर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल का रहेगा आपका प्रीवीक्षाधीन पीरियड यानी प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल तक, जिसके अंदर आपको पता है राजस्थान के अंदर फिक्स सैलरी मिलती है, तो समय समय पर उसका रिवीजन होता रहता है, तो वो सैलरी आपको 2 साल के लिए मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। और उसके 2 साल जब पूरे हो जाएंगे तो आप रेगुलर हो जाओगे L10 मैट्रिक्स की पे ग्रेड के ऊपर। अब बात करते हैं पात्रता या शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता की यदि अपन बात करें तो आपके पास एकेडमिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, 10th कम से कम 10th होना चाहिए। 10th के बाद आपके पास यदि 12वीं करके तो 12वीं चलेगा, लेकिन 10th आपके पास कम से कम होना चाहिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर। 10th के बाद आपका चाहिए टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर आपका बीवोक बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या डिग्री किसी भी ब्रांच के अंदर यानी जिस भी ट्रेड के आप फॉर्म भर रहे हो उसी ट्रेड से रिलेटेड ब्रांच के अंदर, यानी जैसे ट्रेड अपने फिटर का फॉर्म भर रहे हैं तो फिटर से रिलेटेड ब्रांच कौन सी होगी, मैकेनिकल होगी। डीजल का फॉर्म भर रहे हैं तो रिलेटेड ब्रांच कौन सी होगी, डीजल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी। इसी प्रकार यदि आप इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी उससे रिलेटेड ब्रांच होगी। तो रिलेटेड ब्रांच के अंदर आपके पास बीटेक होनी चाहिए या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो सकती है जो AICTE से और UGC से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC जिसको अपन बोलते हैं CTI। ये फॉर्म आपके पास होना चाहिए तभी आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर पाओगे। CTI आपके पास उत्तीर्ण हो आप तभी फॉर्म भर पाओगे। ये अच्छी तरह से ध्यान रख लें, बीवोक या डिग्री होनी चाहिए उसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए CTI NCIC नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी CTI आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप भर पाओगे। कौन कौन सी ट्रेड में, जिन जिन ट्रेड के अंदर CTI अवेलेबल है ऑब्वियसली उन्हीं के अंदर CTI होनी चाहिए, जिनके अंदर अवेलेबल नहीं है उनके अंदर CTI होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा
बीटेक यदि नहीं कर रखी है, आपने डिप्लोमा कर रखा है और उसके साथ भी आपके पास सीटें ही है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अप्रोप्रिएट ब्रांच में, या फिर आपने कोई एडवांस डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास क्या हो, आईटीआई हो यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी रिलेवेंट ब्रांच के अंदर, जिसको अपन आईटीआई बोलते हैं, एनटीसी का सर्टिफिकेट मिलता है आईटीआई के बाद, तो आईटीआई यदि आपके पास है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना आपके साथ पास जरूरी है, यानी सीटीआई उसके अंदर भी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आपने सीटीआई यदि नहीं कर रखी है तब तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, यदि आपने सीटीआई कर रखी है तो आप ये फॉर्म आसानी से भर पाओगे। इसके साथ साथ जो इसेंशियल है वो क्या है, एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। वो भी कौन सा, सैलरीड एक्सपीरियंस। सैलरीड एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया, आपके पास सैलरी मिली हुई होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका क्या होना चाहिए, 1 साल की बीवॉक या डिग्री यदि आपने कर रखी है तो, बीटेक यदि आपने कर रखी है तो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यदि आपने कर रखी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी कोई भी डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आपने एनटीआई एनटीसी यानी आईटीआई यदि कर रखा है तब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज अच्छी तरह नोट कर लीजिए, यदि आपके पास बीटेक है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरीड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एनटीसी यानी सीटीआई आपने आईटीआई यदि आपने कर रखी है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास सीटीआई होना तो कंपल्सरी है ही है। इसके अलावा जो मैकेनिक मोटर यान, मैकेनिक डीजल या मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक कृषि इंजीनियरिंग, मैकेनिक ड्राइवर है, मैकेनिक ट्रेड, इन सब के अंदर यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो इसके अंदर आपको चाहिए यातायात विभाग से भारी यान चालन की अनुमति होनी चाहिए, यानी आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सीटीआई के अतिरिक्त हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे किसके अंदर, मैकेनिक ट्रेड, कोई भी मैकेनिक ट्रेड यानी मैकेनिक डीजल के, मुख्य रूप से मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल की वैकेंसी आई है तो इनके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। इसके अलावा ये थी पहला 13 पद, उसके अलावा गैर यांत्रिकी पद जो है 14 और 15, उनके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के तहत सेकेंडरी की हुई हो, या फिर 10+2 स्कीम के तहत आपने सेकेंडरी या 10th की हुई हो, आपके पास सीटीआई होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाओगे। और साथ साथ तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी व्यवसाय के अंदर स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके साथ डिग्री के समतुल्य या DGT के अधीन जो किसी भी आप DGT के समतुल्य हो, सीधा सीधा मतलब उनका कहना क्या है, सीटीआई आपके पास होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए, या डिग्री नहीं की हुई तो डिप्लोमा, डिप्लोमा नहीं किया तो आईटीआई, ये वही सेम रह जाएगा। संबंधित ट्रेड के अंदर आपके पास सीटीआई होना चाहिए, ये चीज बार बार यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका अनुभव की बात करें, अनुभव भी वही सेम रहेगा, यदि आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा यदि आपके पास है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट है अपना पद कोड संख्या 16 यानी कोपा के लिए, कोपा के लिए 10th होना चाहिए, 10+2 स्कीम के अंदर 10th होनी चाहिए। तकनीकी यदि अपना बात करें, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए अपना बात करें तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए बीवॉक या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी के अंदर इंजीनियरिंग यदि आपने की रखी है AICTE से या UGC से तब आप फॉर्म भर सकते हो। साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट हो आप कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर या आईटी के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने NEET का बी लेवल कर रखा है तब आप फॉर्म भर सकते हो, या आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर साइंस BCS BCA जिसको अपन बोलते हैं, या कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA होना चाहिए, या फिर IT के अंदर आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, PGDCA हो सकता है आपके पास,
और नीलिट का ए लेवल का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इन सब के साथ सीटी कंपल्सरी है, ये चीज ध्यान रखना। 3 साल का डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर या आईटी के अंदर तब भी आप फॉर्म भर कर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा के अलावा रिलेवेंट एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल यदि आपने डीजीटी से कर रखा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटी आपके पास है कोपा ट्रेड के अंदर तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन याद रखना है आपके पास सीटीआई होना चाहिए, एनसीआईसी सीटीआई होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर सीएसए ट्रेड होती है सीटीआई की, उसके अंदर आपके पास सीटीआई होना चाहिए। एक्सपीरियंस की यदि अपन बात करें तो एक्सपीरियंस इसके अंदर भी यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो बीवॉक हो या बैचलर हो तब आपके पास 1 साल का होना चाहिए। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी प्रकार का तो आपके पास 2 साल का होना चाहिए। और यदि पास आपके पास आईटीआई है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरीड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा जो मेन इंपोर्टेंट बात है, राष्ट्रीयता आपको सबको पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रोविजनल नेपाल से आया हो या फिर भूटान से आया हो या फिर तिब्बती शरणार्थी हो, उन सब के लिए। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट यदि आप देखोगे यहाँ पे तो 21 वर्ष आपकी एज हो जानी चाहिए और 40 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष से 40 वर्ष की एज हो जानी चाहिए। कट ऑफ डेट कितनी है, 1/1/2025 को, 1/1/2025 को आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो या फिर आप 40 वर्ष के नहीं हुए हो तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसके साथ 3 वर्ष की छूट दी गई है, ये भी याद रखो, क्योंकि वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है इसलिए इसके अंदर 3 साल की छूट दी गई है। यानी जिस व्यक्ति ने 31/12/2012 को अपनी लिमिट पूरी कर ली थी, 31/12/2012 को भी 40 वर्ष का हो रहा था, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी 31/12/2020 को जिसने अपनी एज 40 वर्ष पूरी कर ली थी वो भी अपना फॉर्म भर सकता है। 31/12/2024 की जगह 31/12/2020 पढ़ा जाएगा, 3 साल की छूट दी गई है। इसके बाद हर अलग अलग एज में अंदर छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज। तो SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको भी 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसके अलावा पेंशन, ये नियुक्ति के बाद की बात है। पेंशन नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नियमित राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना जो है वो लागू होगी। इसके अलावा विवाह पंजीकरण, यानी आपका यदि मेरिड हो तो आपका विवाह पंजीकरण होना आवश्यक है। तो ये थी अपनी मोटी मोटी बातें राजस्थान सरकार द्वारा जारी, आज जो जारी वैकेंसी जारी की गई है राजस्थान प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण निदेशालय के अंदर आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। 16 अलग अलग ट्रेड के अंदर वैकेंसी डाल दी गई है। तो शुरू हो जाइए, लग जाइए अपनी तैयारियों में अंदर, क्योंकि एग्जाम भी इनका जस्ट जून जुलाई के अंदर शेड्यूल कर दिया गया है। तो उस शेड्यूल के बारे में भी हम आपको जल्दी सूचित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, यूट्यूब चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हम आपको टाइम टू टाइम दे सके। आज की वीडियो में मिलते ही, जय हिंद जय भारत।